हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक की थियरी को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम अच्छी ग्रिप बना सके इस चैप्टर के ऊपर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो आइए हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ के इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स है क्या। काइनेटिक्स एक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका नाम है काइनेसिस। काइनेसिस मतलब होता है स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। और केमिकल यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जब उसके रेट को हम स्टडी करते हैं, तो उस टॉपिक को हम जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो किसी भी केमिस्ट के माइंड में तीन क्वेश्चन आते हैं केमिकल रिएक्शन के प्रति, जो है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर इसका हमको आंसर चाहिए तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप इसके बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना परसेंट उसका यील्ड होगा, यानी कितना परसेंटेज प्रोडक्शन होगा। तो इसको हम इक्विलिब्रियम चैप्टर से स्टडी कर लेते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है जो है रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी भी रिएक्शन को होने में सेकेंड्स लगेंगे या मिली सेकेंड्स लगेंगे या ईयर्स लगेंगे, इसको स्टडी करने का जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो है काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड तक मिल जाते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो उसके आगे हम किसी भी एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो है इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि अगर कोई एक रिएक्शन है आर गेटिंग कन्वर्टेड टू पी, तो यहाँ पे जो आर रिएक्टेंट है वो पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो आर का कॉन्सेंट्रेशन था इनिशियली वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसमें नेगेटिव साइन से हम इंडिकेट करेंगे। डी यानी होता है चेंज और डी टी यानी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं तो इसको हम रीड करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम के साथ में, या अगर पॉजिटिव साइन से हम इंडिकेट करेंगे इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, तो प्लस डी पी बाई डी टी या माइनस डी आर बाई डी टी, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यानी कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो ये होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलार्स में, और टाइम के लिए होता है सेकेंड, यानी मोलारिटी पर सेकेंड, या मोलार पर सेकेंड भी आप इसे लिख सकते हैं, या मोल पर मोलार पर सेकेंड इनवर्स। मोलार को आप दूसरे टर्म में लिख सकते हैं मोल पर लीटर, यही तो होता है मोलारिटी का डेफिनेशन। और इसको आप सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये दोनों भी यूनिट आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप किसी एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे देखेंगे, यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो टाइम के साथ में डिक्रीज होगा, और अगर किसी प्रोडक्ट का होगा तो वो टाइम के साथ में इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, तो अगर एक परफेक्टली हम किसी एक इंस्टेंट पर देखेंगे, यानी एक पॉइंट पर देखेंगे, तो इसका जो स्लोप होगा इस कर्व का, वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट, ये होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस पॉइंट। साथ में अगर आप देखेंगे किसी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे इस टाइम से लेके इस टाइम तक, यानी किसी एक परफेक्ट पॉइंट पे ना होकर किसी एक टाइम इंटरवल के लिए, यानी इतने टाइम के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, तो उसके लिए आपको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करना पड़ेगा। डेल्टा पी मतलब कि उतने देर में कितना, या डेल्टा आर अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए देख रहे हैं, डेल्टा आर डेल्टा टी, यानी उतने देर में कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम इंटरवल के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये स्लोप एक पॉइंट पर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू ज़ीरो, तो इसको हम डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं।
ये आप मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में और अच्छे से सीखेंगे कि जब ये डिनोमिनेटर टेंड्स टू ज़ीरो हो जाता है तो ये डी बाई डी टी हो जाता है। तो ये हो गया इसका एक बेसिक डेफिनेशन रेट ऑफ़ रिएक्शन का। रेट ऑफ़ रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एक फैक्टर प्ले करता है किसी भी रिएक्शन के लिए। हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए रेट ऑफ़ रिएक्शन डबल हो जाता है, रेट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द रिएक्शन टेम्परेचर। सेकेंड जो फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकते हैं। अगर वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका डिफरेंट टाइप हम लोग आगे क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे, और डिपेंड कर सकते हैं कैटलिस्ट के ऊपर। यानी कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, कैटलिस्ट इज़ अ स्पीशीज़ विच स्पीड्स अप द रिएक्शन बट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। यानी वो जितना भी पार्ट लेगा उतना वापस आ जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन में कुछ पार्ट नहीं लिया है, लेकिन वो खाली इंटरमीडिएट की तरह पार्ट लेता है। एंड स्टेप में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है उसमें उसका पार्ट नहीं होता, वो वापस एज इट इज़ लौट आता है। एंड प्रोडक्ट में कैटलिस्ट नहीं होता है, क्योंकि जितना अमाउंट में हम उसे यूज़ करेंगे उतने अमाउंट में वो वापस आ जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से रेट ऑफ़ रिएक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स लिखना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, 5Br- प्लस BrO3- प्लस 6H+ गिविंग 3Br2 प्लस 3H2O। तो इस रिएक्शन में कुछ पास्ट ईयर्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हम सॉल्व करते हुए भी इस पर ध्यान देंगे। और मैंने आपके एक प्रैक्टिस के लिए भी एक क्वेश्चन रखा है कि इसका आप डिफरेंट फॉर्म में रेट ऑफ़ रिएक्शन लिखिए। तो अगर हमें लिखना है रेट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1/5 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br- डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू माइनस डी Br O3- डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/6 डी H+ डिवाइडेड बाई dt। आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जितने भी प्रोडक्ट साइड के रिएक्टिंग स्पीशीज थे, उनके लिए मैंने माइनस साइन लिखा है इस कॉन्सेंट्रेशन चेंज के आगे। फिर DBr- यानी Br- का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो भी इसका कोएफिशिएंट था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन में, उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तब मैंने इन तीनों को इक्वल लिख दिया। अगर आप प्रोडक्ट साइड के लिए देखेंगे तो ये होगा प्लस 1/3 डी Br2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी H2O बाई dt। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट साइड के लिए प्लस लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट के लिए तो वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिखा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, वो है कि जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन लास्ट ईयर के अगर आप कुछ एग्ज़ाम्स में देखेंगे, जैसे नीट में और JEE में, तो ये भी क्वेश्चन आए हैं कि किसी भी रिएक्शन को आपको दे दिया जाएगा। जैसे हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन दे दी थी लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, उसमें दिया था N2+3H2 गिविंग 2NH3। तो इस रिएक्शन के लिए आपको जंबल करके कुछ भी आपको ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दे देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो भी आप आराम से चार मार्क्स तो ला ही सकते हैं। तो इसलिए बेसिक्स को भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 कोएफिशिएंट है और ये रिएक्टेंट है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस रेट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 डी N2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 डी NO2 बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस डी O2 बाई dt। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका रेट और इसका रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, कब, जब इसका 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके 4 टाइम्स स्पीड से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर O2 का आप देखेंगे, अगर 1 मोल प्रोड्यूस होगा तो NO2 का 4 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए अगर हमें दोनों को रेट को इक्वल लिखना है तो इसे हमें 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
अगर आप देखेंगे यहाँ पे डी एन ओ टू बाई डी टी यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन ओ टू इज फोर टाइम्स डी ओ टू बाई डी टी, यहाँ पे आप इसको फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल होने के लिए डी ओ टू बाई डी टी के फोर टाइम्स होने चाहिए डी एन ओ टू बाई डी टी, यानी एन ओ टू का जो प्रोडक्शन रेट है वो ओ टू के फोर टाइम्स है। ये आप यहाँ पे मोलार कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को भी देख के बता सकते हैं, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं जो है आर वन प्लस आर टू गिविंग पी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आर वन है और आर टू है ये रिएक्टेंट्स हैं और इनको जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वन रेस टू एक्स और आर टू रेस टू वाई। यहाँ पे एक्स और वाई क्या हैं, इंडेक्स हैं यानी पावर हैं इस कॉन्सेंट्रेशन के। ऐसे भी बोलते हैं जो एक्स है इट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू आर वन, और वाई जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर टू, और जो एक्स प्लस वाई है वो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी पूरे रिएक्शन का जो ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट्स हैं तो इसलिए एक्स प्लस वाई यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर होगा। अगर यहाँ पे किसी आर थ्री कॉम्पोनेंट भी होता रिएक्शन में, जैसे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीन रिएक्टेंट होते हैं और उसका पावर रेस टू जेड होता तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो जेड होता वो होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर थ्री, यानी जिसका पावर होता है वो उस रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यानी यहाँ पे x अगर R1 का पावर है तो इट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू R1, और अगर हम सारे पावर्स को ऐड कर देंगे तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। रेट लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए मदद करता है। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा वो भी हमें इसी से पता चलता है, और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी बताने में हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो एट एनी लेटर टाइम हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन यानी सिंपल से अगर हम देखिए, अगर N2O5 के दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं NO2 प्लस O2 में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी हम विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ही देखते हैं, यानी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है तो इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है 2। द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। किसी और रिएक्शन में अगर समझिए 1, अगर इसको हम सबको समझिए 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 1 हो जाएगी, यानी जो भी आपको रिएक्शन दिया रहेगा उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वही हमारी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी। जैसे N2 प्लस 3H2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2NH3, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी है 4, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल N2 का और तीन मॉलिक्यूल H2 के कन्वर्ट हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल NH3 के। तो हमें प्रोडक्ट से कुछ भी रिलेशन नहीं है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं एक स्टेप ऑफ रिएक्शन में। और ये मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए स्टडी करते हैं, यानी एक जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करके सिंपल स्टेप नहीं कर सकते। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन हो सकता है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रेट कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको बताया था रेट लॉ रिलेट करता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। समझिए ए और बी दो रिएक्टेंट थे विथ रिस्पेक्ट टू पावर एक्स और वाई, तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिखा था। अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन लिखना है तो हमें यहाँ पे हमें एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा के। इस के को ही हम कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट। तो रेट कॉन्स्टेंट का अगर आप देखेंगे यूनिट, तो रेट का यूनिट मैंने आपको बताया है मोलार पर सेकेंड होता है, और रेट कॉन्स्टेंट के लिए हमें इस कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड भी करना होगा। तो अगर ये सिर्फ यहाँ पे एक ही है, मतलब सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन ही है,
तो यहाँ पे हम इसे मोल से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर समझिए यहाँ पे दो है यानी ओवरऑल ऑर्डर टू है, तो ये मोल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड इनवर्स मोलार इनवर्स हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे यानी ज़ीरो हो जाएगा यानी मोल सेकेंड इनवर्स हो जाएगा और इसका के का यूनिट। तो ऐसे आप डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं, एक जनरल फार्मूला है मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन का आ जाएगा। इससे आपको अगर समझिए ज़ीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो पुट कर देंगे तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, या आप इसको मोलार पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा तो इसके लिए आप सेकेंड इनवर्स लिखेंगे यानी पर सेकेंड, और अगर ये सेकेंड ऑर्डर होगा तो इसके लिए आप लिखेंगे पर मोल पर सेकेंड, यानी यहाँ पे ये दोनों भी डिनोमिनेटर में रहेंगे इसके यूनिट। तो इसका ऐसा यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था रेट लॉ में हम लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू एक्स या वाई। तो अगर हम सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, तो अगर हम रेज टू एक्स लिखते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट भी होता है और ओवरऑल ऑर्डर भी वाई होता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई रिएक्टेंट नहीं है। तो अगर ऐसे केस में हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम हमारे स्टैंडर्ड के लिए तीन मेन बेसिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं, जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर में क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू ज़ीरो। तो आपको पता होगा किसी भी नंबर रेज टू ज़ीरो अगर करेंगे तो वो वन होता है, यानी रेट इज इक्वल्स टू के, यानी यहाँ पे जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है, अगर यहाँ पे मैं इसको के डैश लिखता हूँ दूसरा रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पे के डबल डैश कॉन्सेंट्रेशन के सेकेंड पावर पे डिपेंड करता है यानी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और हमें मेन तीन तरीके के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ना है, जो ज़ीरो, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इन तीनों के लिए अलग अलग रिएक्शन के जो इक्वेशंस है वो डिटरमाइन किए गए हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो मैंने आपको बताया था रेट लॉ में रेट इज इक्वल्स टू जैसे के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एक्स, तो अगर आप इसको पुट करेंगे रेट की जगह आप लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी रहेगा क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही होने वाला है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर आप देखेंगे तो ये इसका वैल्यू के बराबर होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका वैल्यू के इंटू ए के बराबर होगा, और सेकेंड ऑर्डर के लिए माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू के इंटू ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशंस मिलेंगे। ज़ीरो ऑर्डर के लिए मिलेगा आर एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, आर जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, एट एनी टाइम टी स्क्वायर ब्रैकेट में इसका कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए नेचुरल लॉग ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ आर जीरो माइनस के टी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वन अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर जीरो प्लस के टी हो जाएगा। इसके ग्राफ्स कुछ ऐसे हैं, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट करेंगे टाइम के अगेंस्ट तो आपको एक डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे के का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ऑफ स्लोप हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे स्लोप का वैल्यू माइनस 10 है तो हमारा के का वैल्यू हो जाएगा प्लस 10, क्योंकि के कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो रेट कांस्टेंट है। वैसे अगर आप यहाँ पे लॉग ऑफ आर के वर्सेस टाइम को प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, फिर से एक नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पे भी के का वैल्यू नेगेटिव ऑफ स्लोप होगा, यानी अगर स्लोप का वैल्यू माइनस 20 है तो हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू प्लस 20 होगा। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप वन अपॉन आर को प्लॉट करेंगे टाइम के अगेंस्ट तो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन उसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इक्वेशन में देखेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो यहाँ पे जो हमारा c का वैल्यू है
वो वन अपॉन आर नॉट है, यानी ये वाला वैल्यू वन अपॉन आर नॉट है। और ये जो लाइन है टाइम के अगेंस्ट, अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं तो के हमारा स्लोप है विद अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे जो भी स्लोप का वैल्यू होगा वही हमारा रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू होगा। बाकी इन दोनों केसेस में जो स्लोप का वैल्यू है उसका साइन चेंज करने के बाद हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, जहाँ पे जो c है वो उसका वैल्यू यहाँ पे आर नॉट है, यानी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो डिक्रीज होते जा रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस के टी होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वो डिक्रीज होगा इसलिए माइनस के टी होगा। और यहाँ पे आप बोलेंगे क्या इंक्रीज हो रही है जहाँ पे प्लस के टी है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे भी डिक्रीज ही हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल में डिक्रीज होने का मतलब होता है प्लस होना यानी इंक्रीज होना। अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डिक्रीज दिखेगी, यानी आर एट एनी टाइम टी इज ऑलवेज लेस देन आर एट ज़ीरो, यानी कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो इसको आप ऐसे प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे तो ये आर एट एनी टाइम टी ग्रेटर हो जाएगा आर ज़ीरो से, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा आता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिससे आते हैं वो है टी हाफ, यानी हाफ लाइफ ऑफ एनी रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है आर नॉट बाई टू के, ये भी आप अगर आपको इस इक्वेशन तक आप डिराइव कर पाएँ तो उसके आगे आप यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट बाई टू, तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आर नॉट बाई टू माइनस आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, तो ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा टी हाफ के लिए आर नॉट बाई टू के। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 0.693 अपॉन के। यहाँ पे एक चीज़ पे आप ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का एक भी आपको टर्म नहीं मिलेगा, यानी आर नॉट का टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जीरो ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पे आर नॉट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली जितना था उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और अगर आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियली जो था, तो यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू होता है वन अपॉन के आर नॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो आपका टी हाफ का टाइम कम हो जाएगा, अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घटा देंगे तो आपका टी हाफ का टाइम बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रिलेशंस थे जो मैंने आपको एक सिंपली एक छोटे से टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको समझ सकें और याद कर सकें।